आज औरंगाबाद होगा राजनीतिक जोर आजमाइश का अखाड़ा। एमबीए की रैली तो बीजेपी निकाल रही सावरकर गौरव यात्रा। बिहार में सासाराम में रामनवमी पर हिंसा के बाद बम धमाका, 6 घायल। बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद कर्फ्यू। भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान की मौत, 5 दिन बाद शव बरामद। महाराष्ट्र के रहने वाले थे शहीद। आग पर 38 घंटे में काबू, साबुत 800 दुकानें जलकर खाक, 500 करोड़ का सामान जला। घटना स्थल पर पहुंचे अखिलेश यादव। साहिबगंज में विसर्जन जुलूस में पथराव, दुकानों और वाहनों में आगजनी, पुलिस अधिकारी समेत कई जख्मी। तैवानी वृद्ध को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे वायुसेना अधिकारी। आज दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम बघेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस कर्मियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा, 31 साल बाद फैसला। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, संभल में FIR। शाह का सासाराम दौरा रद्द होने पर सीएम नीतीश का बयान, बिहार सरकार की सुरक्षा में नहीं करती भेदभाव। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।